तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अहम सभा होने जा रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश में आज 3 अहम सभाएं हैं, जहां पहली सभा हिंडौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और अब दूसरी सभा सीकर में है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर पहुंच जाएंगे। बेहद अहम दिलचस्प मुकाबला सीकर में देखने को मिल रहा है और जाटलैंड है सीकर। 3 बार बीजेपी को जीत इस सीट से मिली है, जब लगातार 1998, 1999 और 2004 में बीजेपी के खाते में सीट गई थी और सुभाष महरिया ही जीत कर लाए थे और अब सुभाष महरिया यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में बेहद दिलचस्प मुकाबला सीकर में देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, बात करते हैं वहां से। हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी योगेश शर्मा। योगेश, जानना चाहेंगे आपसे, सीकर बेहद अहम सीट है, अगर जातीय समीकरणों की बात करें या सैनिक के जमीन के तौर पर हम बात करें या फिर हम इसे गढ़ के रूप में बात करें कांग्रेस के, तो ऐसे में अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो क्या तस्वीर रहेगी या क्या तस्वीर बदलेगी? देखिए श्वेता, बेहद जोश हमें इस वक्त सीकर की सभा में नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूरा पांडाल खचाखच भर चुका है और दो उम्मीदवार यहां पर हैं जिनके पक्ष में नरेंद्र मोदी सभा करेंगे। सीकर से सुमेधाराम सरस्वती है और झुंझुनू से नरेंद्र कीचड़, और एक बेहद समृद्ध राजनीतिक इतिहास शेखावाटी का रहा है। सीकर वो इलाका है जहाँ चौधरी देवीलाल तक चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे, और झुंझुनू का इलाका जो शीशराम ओला की धरती रहा, राजनीतिक तौर पर वो वहाँ के कद्दावर नेता रहे, और इन दोनों इलाकों में परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी का मजबूत आधार रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में खासतौर से जब अटल जी ने जाट आरक्षण की नींव रखी थी राजस्थान में, तो सीकर की धरती से ही उन्होंने आगाज किया था और जाट समाज को ओबीसी में उस वक्त शामिल किया गया था कई साल पहले, जब सुभाष महरिया उस समय सांसद हुआ करते थे और उस समय ये कहा जा सकता है कि सुभाष महरिया को केंद्रीय मंत्री बनने का गौरव भी केंद्र की सरकार में हासिल हुआ। तो एक तरह से कहा जाए तो जाट समाज में संदेश देने की अगर राजनीति की भी बात की जाए, सियासी संदेश की बात की जाए, तो वो सीकर की धरती से जाता है। जाट लैंड के तौर पर किसान कौम की धरती कही जाती है, सैनिकों की धरती ये कही जाती है। तो शेखावाटी का जो सियासी मिजाज है वो कांग्रेस पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में दोनों ही जिलों में बड़ा परचम फहराया, दोनों ही इलाकों के अंदर राजस्थान के सीकर और झुंझुनू कांग्रेस पार्टी के लिए मददगार साबित हुए। सीकर में 8 में से 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के यहाँ जीते, झुंझुनू में भी कमोवेश यही स्थिति रही और वहाँ कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली। तो एक तरह से कहा जाए राजनीतिक तौर पर सुभाष महरिया, जिनका परिवार पूरी तरह कांग्रेसी रहा, रामदेव सिंह महरिया के परिवार से वो आते हैं, उनका परिवार कांग्रेसी रहा, लेकिन सुभाष महरिया ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रुख किया था और वो फिर सांसद भी बने, लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है। और वहीं स्वामी सुमेधानंद, जिनका आश्रम कुछ ही दूर पर है और जाट समाज के अंदर उनकी एक सम्मानजनक छवि है, और पिछला चुनाव ट्रायंगुलर चुनाव था, सुभाष महरिया खुद चुनाव लड़े थे बतौर निर्दलीय, उसको भाजपा से टिकट नहीं मिला था, भागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बेहद कशमकश वाला चुनाव था, लेकिन मोदी फैक्टर ने सुमेधानंद सरस्वती की वैतरणी पार लगा दी थी। और यहाँ पर इस बार भी सुमेधानंद को मोदी की वैतरणी से उम्मीद है। वही नरेंद्र कीचड़ का मुकाबला श्रवण कुमार से झुंझुनू में हो रहा है, श्रवण कुमार कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में केवल एकमात्र विधायक है नरेंद्र कीचड़ जिनको सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है। मंडावा से वो आते हैं, वहाँ के विधायक है, दूसरी बार चुनाव जीते हैं, पहले वो निर्दलीय जीते थे। और यहाँ पर श्रवण कुमार जो 4 बार MLA रहे हैं, सूरजगढ़ से भी, पिलानी से भी, और कद्दावर किसान नेता, जाट नेता की उनकी इमेज रही है। और ये बहुत अरसे बाद हुआ है जब ओला परिवार को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने श्रवण कुमार को टिकट दी। लेकिन पहले आपको एक बार जनता का मिजाज बता दें, पवन हमारे जर्नलिस्ट हैं, कैमरा जर्नलिस्ट, वो बताएंगे किस तरह से, और देख सकते हैं खचाखच इस वक्त पूरी तरह पांडाल भर चुका है, बैठने को लेशमात्र जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे नहीं है, उससे पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उमड़ कर आए हैं। तस्वीरें यहाँ पे खुद बयां कर रही है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, महिलाएं भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पहुंचने में अभी और कितना वक्त है? 2:25 का वक्त तय था योगेश, अभी और कितना इंतजार? Yes, we're
देखिए इंतजार है श्वेता, और आपको खुद आप फील्ड में रही हैं और आपने खुद ने सभाओं को अटेंड किया है जी। और कुछ ही पलों में जब मोदी जब पहुंचते हैं तो किस तरह का नजारा रहता है देखने को, अभी हमने जयपुर में भी आलम देखा, अभी हिंडौन में भी देखा, और सीकर क्योंकि शेखावाटी की धरती सीकर से जो संदेश जाना है राजनीतिक तौर पर, कांग्रेस पार्टी ए ग्रेड लिस्ट में सीकर को मानकर चल रही है, यूं कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है कि सुभाष मेहरिया चुनाव जीतेंगे, और पहले जो टॉप फाइव जो अगर जीतने के प्रबल उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि